मंजरे यहाँ पे आई हैं। वो साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़की के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और दरख्वास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूँगी। तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस के पीछे भागो। इसने मुझे गालियाँ दी माँ बहन की, मुझे दुख हुआ इस बात का। और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया, तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊँगी। तो उस वजह से मुझे पता नहीं रातों रात इसने मुझ पर ये FIR ब्लैकमेल मुझ पर इल्ज़ाम लगा। कभी आप बहन भाई का रिश्ता बन जाते हैं, आपका असल में रिश्ता क्या है? क्या आप बीच में कोई और मामला भी आप दोनों का है? क्योंकि तस्वीरें तो वो बहन भाई की ऐसी होती नहीं है। देखिए, इसने मीडिया पे बोला था ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मुझे नहीं पता क्यों बोल दिया, घबरा के बोल दिया। मैं ज़रूर बोलूँगा और ये मेरी टीम है, ये गवाह भी हैं और इसको ही इनको ही उन्होंने भी बुलाया। मुझे भी एक दिन पहले मैं इनसे घर से चला गया था और इसने बुलाया शिनाख्त करनी है, SP चेंज हुआ है, आप आ जाए। और आगे आए तो ये सारे मामला हो गया। और कितना को है ये बताएं रैम्बो के, आप उसको ब्लैकमेल करते थे? ये सब कुछ झूठ था। मेरा एक दिन दरख्वास्त होने से पहले एक दिन झगड़ा हुआ था यार, थोड़े से पीछे हो जाओ यार। सर एक मिनट, अकमल साहब कितने जानते हो, कितने पीछे कर दिए, इस काम से बैठे हैं यार। तो किस तरह से मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं कुछ जो है ना उसी वाकया के अंदर नामजद किया गया हूँ। तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आशा अकरम की गलती है, लेकिन मीनारे पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ। लेकिन उस वो जो है ना उसकी बाइक की डेथ तो हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सका। तो फिर इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन उन चीज़ों की वजह से, रिकॉर्डिंग्स बातें चीज़ों की बिना पर ये चीज़ें पता चली कि ये प्लान किया गया था। मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। मैं नॉर्मली जैसे पहले उसके साथ शूट पर जाती थी, उस दिन भी मैं उसके साथ उसी तरह तरीके से चली गई, बस यही वीडियोस थी। लेकिन उसके बाद भी वो करता, लेकिन ऐसी कोई वीडियो नहीं है मेरे, मुझे पता है। धोखा नहीं, ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां ब्लैकमेलिंग हो रही हैं और कितनी ऐसी लड़कियां इज्जतें खराब कर चुके हैं। जो कानून कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो सजा देंगे बेहतर ही होगी इन लोगों के लिए।